आप सभी का स्वागत है चंदन सिंह के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्लस स्टडी में। आज मैं आपको जीके से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें मैं आपको आज महत्वपूर्ण दिवस करवाऊंगा। मैं आज आपको जनवरी महीने से लेकर दिसंबर महीने तक के सभी महत्वपूर्ण दिवस करवाऊंगा। चलो अभी हम जनवरी महीने से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो अभी हम जनवरी मंथ्स के क्वेश्चंस करते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। तो 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 10 दिसंबर को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। ओके, 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और विवेकानंद जयंती मनाई जाती है। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन इस प्रकार हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा और अपने पास पेन कॉपी ले लेना और इन सभी को लिख लेना। तो अभी 18 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 18 जनवरी को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पोलियो दिवस मनाया जाता है। 19 जनवरी को महाराणा प्रताप पुण्यतिथि दिवस मनाया जाता है। 21 जनवरी को मेघालय स्थापना दिवस और हेमू कालिनी पुण्यतिथि सिंधी समाज दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कस्टम एवं उत्पाद दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जन्म दिवस और डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस, विष्ट कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया जाता है और 31 जनवरी को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो ये हमारे पास जनवरी मंथ्स के क्वेश्चन थे, जो कि महत्वपूर्ण दिवस थे। अभी हम फरवरी मंथ्स के महत्वपूर्ण दिवस करेंगे, जो कि इस प्रकार हैं। तो 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को श्रीलंका राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 5 फरवरी को कश्मीर दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जयंती मनाया जाता है। 14 फरवरी को दीनदयाल पुण्यतिथि और सेंट वैलेंटाइन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस जयंती मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पादक दिवस शुल्क दिवस मनाया जाता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 26 जनवरी को वीर सावरकर पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी इनको अच्छे से याद कर लेना। अभी हमारे फरवरी मंथ के भी कंप्लीट हो गए। उससे पहले, अगले तरफ बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अभी हम मार्च मंथ की तरफ बढ़ते हैं। मार्च में मनाए जाने वाले मंथ इस प्रकार हैं, दिवस इस प्रकार हैं। 3 मार्च को राष्ट्रीय रक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस जो कि भारत में मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस और विश्व जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मत्स्य विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। हमारे मार्च मंथ्स के भी महत्वपूर्ण दिवस कंप्लीट हो गए। अभी हम अप्रैल मंथ की तरफ बढ़ते हैं। तो अप्रैल मंथ में 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसिंह दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को B.R. अंबेडकर स्मरण दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व होम्योफिलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व होम्योफिलिया दिवस के रूप में 22 मार्च को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। हमारे अप्रैल मंथ के भी महत्वपूर्ण दिवस कंप्लीट हो गए। और अभी मई मंथ की तरफ बढ़ते हैं। 1 मई में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस और प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 मई को कोयला खनन दिवस मनाया जाता है। 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 मार्च को विश्व नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। 17 मई को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। मई मंथ के भी कंप्लीट हो गए महत्वपूर्ण दिवस। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अभी हम जून मंथ की तरफ बढ़ते हैं। तो 4 जून को आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 14 जून को अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जून को नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अभी हमारे जून मंथ के भी कंप्लीट हो गए महत्वपूर्ण दिवस। अभी हम जुलाई मंथ की तरफ बढ़ते हैं। तो 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। जुलाई मंथ में सिर्फ 3 दिवस ही मनाए जाते हैं। अभी हम अगस्त मंथ की तरफ बढ़ते हैं। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 8 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे अगस्त मंथ के भी कंप्लीट हो गए। अभी हम सितंबर मंथ की तरफ बढ़ते हैं। तो सितंबर मंथ के इस प्रकार हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 सितंबर को गुलाब दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो अभी हमारे सितंबर मंथ के भी कंप्लीट हो गए। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अक्टूबर मंथ में
1 अक्टूबर को बुजुर्गों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे गलत हो गया है क्वेश्चन, 5 अक्टूबर को नहीं, 5 सितंबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन गलत है, इसलिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी हम नवंबर मंथ के महत्वपूर्ण दिवस करते हैं। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, 14 नवंबर को बाल दिवस विश्व मधुमेह दिन के रूप में मनाया जाता है, 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता शांति दिवस मनाया जाता है, 17 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, 21 नवंबर को विश्व हेलो डे मनाया जाता है, 27 नवंबर को प्लस पोलियो टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लें। अगर आपको फर्स्ट बार याद नहीं होता तो वीडियो दोबारा से देखें और अपने दिमाग में इन क्वेश्चंस को बिठा लें, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो अभी दिसंबर मंथ की तरफ बढ़ते हैं। तो दिसंबर में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस और विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है, 6 दिसंबर को बाबा साहेब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, 7 दिसंबर को सशस्त्र बलों का झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हमारे नहीं, 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, 15 दिसंबर को सरदार पटेल पुण्यतिथि मनाई जाती है, 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, 23 दिसंबर को किसान दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 25 दिसंबर को क्रिसमस दिवस, महामना मनमोहन मालवीय जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हमारे जनवरी से लेके दिसंबर मंथ के सभी महत्वपूर्ण दिवस कंप्लीट हुए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।